नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने रामगंज मंडी नगर के कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में सरकार आपके द्वार जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किया। शिविर में अपने विधायक दिलावर को समस्याएं बताने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ लगी रही। लोग सड़क, पानी, जाति प्रमाण पत्र आदि समस्याओं को लेकर मंत्री से मिलने पहुंचे। दिलावर ने एक एक कर बारी बारी से सभी को सुना और मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर समस्याओं का निस्तारण करवाया। दिलावर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे समस्या समाधान शिविर बेहद सफल साबित हो रहे हैं। अब तक अलग अलग जगह पर 8 शिविर आयोजित किए जा चुके, जिनमें स्थानीय निवासियों को अपनी समस्याओं से निजात मिला है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोगों को जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है, जहां अधिकारी कोई ना कोई कमी निकालकर परिवादी को टरका देते हैं। लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को उनके घर पर ही सरकार लाकर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आमजन भी आसानी से अपने छोटे छोटे काम करवा पा रहे हैं, इसलिए शिविर खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। कृषि उपज मंडी के शिविर में कुल 360 परिवाद मिले, जिनका अधिकारियों ने मंत्री दिलावर के निर्देश पर समाधान किया। कमेटी के अध्यक्ष आप है तो फिर क्या? आप भगवान हैं। नहीं, इस प्रकार का दरबार भी आप जैसे एमएलए लगाते हैं, अन्यथा एमएलए निकल गए यहाँ से, किसी ने ऐसा दरबार नहीं लगाया, तो आप भगवान ही हो जनता के लिए।
आप मेरी बात सुनो, बहुत बोल रहे हैं आप, बोलना बंद, आप मेरी बात सुनो। मैं सचे की इसे समिति का देखा, लेकिन मैं जो जिले बन गए हैं उनमें से कौन कौन सा जिला रखना है, कौन कौन सा नहीं रखना है, इस समिति का अध्यक्ष। मैं जिस दिन नए जिले में आने बोल की अध्यक्षता मिलेगी उस दिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के पक्ष में नहीं बोलूँगा, तो फिर मेरे जरा पार्टी बोल रहा हूँ। तो अभी मेरे पास ये जो 17 जिले बने हैं, तो कुछ जिले से मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो प्रेस में जाएगा तो वहाँ के लोग नाराज हो जाएंगे। पर जो बहुत ही छोटे जिले हैं, दूध जैसा गुजारा था जिला, हमने नाम में ले रखा है, हम ले रहे हैं। एक जिला करने की जो मानदंड होने चाहिए उसमें वो देखेंगे उसमें से कितने जिले रख सकते हैं, वो रखेंगे। पर अभी उसमें जोड़ने वाले नहीं है। आपका ज्ञापन प्राप्त हो गया, सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।